हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में हम क्या पढ़ेंगे? शब्द किससे बनते हैं, शब्द किसे कहते हैं? तो जैसा यहाँ पर दिया है, शब्द वर्णों से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक वर्ण होता है, जैसे आ, ए, ओ, न, तो ये शब्द सार्थक शब्द हैं। ज्यादातर शब्द एकाधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं। इन शब्दों में वर्णों के एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। अब जैसे कैसे रखा है, यहाँ पर आजकल शब्द दिया है। निश्चित क्रम क्या है? आ, ज, क, ल, ये क्या है? एक सार्थक शब्द है जिसका कोई मीनिंग होता है, यानी आजकल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये शब्द। अब आ क्या है? इसमें वर्ण है, ज वर्ण है, क वर्ण है, ल वर्ण है, उससे एक मिलकर पूरा शब्द बना आजकल। तो शब्द की परिभाषा देखते हैं, जो यहां पर दी गई है। वर्णों के सार्थक और सही क्रम से शब्द बनते हैं। वर्णों के सार्थक और सही क्रम से, एक के बाद दूसरे शब्द के आ जाने से, जो सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक दो शब्द होते हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनसे, जिनकी मीनिंग होती है, जिससे, जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता है। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता। शब्द और पद, हम आगे बढ़ते हैं। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? पद। ये उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ नए शब्द भी पढ़ने जा रहे हैं और उनका प्रयोग करने भी जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे उपसर्ग, हालांकि तुमने क्लास 6 में, यानी कक्षा 6 में भी ये पढ़े हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक। तो दो एग्जाम्पल, उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। लड़का पुस्तक पढ़ता है, और दूसरे में है लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। इन दोनों वाक्यों में लिंग परिवर्तन भी दिख रहा है और इसमें वचन परिवर्तन दिख रहा है, जहां पर क्या है कि पहले में एक लड़का एक पुस्तक पढ़ रहा है और वहां पर काफी लड़के, हो सकता है वो एक पुस्तक पढ़ रहे हो, या हो सकता है सब बच्चे अलग अलग पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? वचन, एक वचन, बहुवचन, यानी वचन के आधार पर हमारा पद क्या हो गया? बदल गया। अब है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण उनके स्रोत, प्रयोग, रचना तथा अर्थ के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब सबसे पहले नंबर पर हम आते हैं स्रोत के आधार पर। हिंदी भाषा के अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं और उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा के अधिकतर शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से, और उसी रूप में प्रयोग होते हैं जैसे संस्कृत में होते हैं।
ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। तथा जैसे क्या शब्द हैं ये, एग्जाम्पल देख लेते हैं। धर्म, कर्म, क्रम आदि कुछ शब्दों का विकास तत्सम शब्दों से हुआ है। ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे तत्सम शब्द तो क्या है, कर्ण। कर्ण को अगर हम तद्भव, तद्भव शब्द वह है जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कर्ण क्या है, ये कान के लिए लिखा है जो तत्सम शब्द है कर्ण, लेकिन हम आम बोलचाल भाषा में या तद्भव शब्द में उसे क्या बोलते हैं, कान। अग्नि तत्सम शब्द है जिसे बोलते हैं हम आग। कुछ विदेशी शब्द भाषाओं के संपर्क में से हिंदी भाषा में आ गए हैं। अब ये इनके क्या है, चार प्रकार के हैं ये शब्द भी। ये चार प्रकार क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। संस्कृत शब्द से ज्यों के त्यों संस्कृत शब्द से ज्यों के त्यों आए हुए, बिल्कुल ठीक उसी तरह के शब्दों का प्रयोग जो हम करते हैं। तो जैसे मातृभाषा, धर्म, प्रातःकाल, ये शब्द का प्रयोग जो हम करते हैं, ये शब्द किसके हैं, संस्कृत के। अब तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से ही निकलकर ये विकसित हुए हैं, जैसे पांच, मुंह। फिर देशज शब्द है संस्कृत से भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से प्राप्त शब्द। अब ये क्या है, जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है उनसे निकलकर ये शब्द हम अपने वाक्यों में भी प्रयोग करते हैं, पैसा, डिबिया। अब है आगत ध्वनि। आगत शब्द, आगत क्या है, विदेशी भाषाओं के जो शब्द हमने अपनी शब्दावली में जिनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, वे कौन से शब्द हैं? जैसे रेल, रेल कौन सा है, ये अंग्रेजी शब्द है जिसे हमने अपने वाक्यों में प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो ये आगत शब्द हो गए। अक्ल ये अरबी का शब्द है। हफ्ता ये फारसी का शब्द है। चमचा ये क्या है, तुर्की शब्द है। अनानास ये पुर्तगाली शब्द है। तो इन शब्दों को किनको, रेल, अक्ल, हफ्ता, चमचा, अनानास, तो क्या है, इन शब्दों को हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये आगत शब्द हैं। आगत यानी दूसरी भाषाओं से लिए हुए शब्द हैं, इसलिए इन्हें आगत शब्द कहा जाता है। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इनकी संख्या तो काफी है, लेकिन कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप ध्यान से देखें और इनको सीखें। ये अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आपको करने हैं। आप दो कॉलम बना लेंगे और इसी तरह इन्हें लिख देंगे, एक ओर तत्सम और दूसरी ओर तद्भव। जैसे तत्सम शब्द है और तद्भव, अंधकार, अंधेरा, अंबा, अम्मा, अंबा कहा जाता है माँ को, अक्षी, आंख, अग्नि, आग, अर्क, आग, अश्रु, आंसू, अष्ट, आठ, आश्चर्य, अचरज, आश्रय, आसरा। फिर दूसरी लाइन में आ जाते हैं, छिद्र, छेद, दंत, दांत, दधि, दही, नासिका, नाक, नौका, नाव, पीत, पीला, मयूर, मोर, मस्तक, माथा, मुह, मुख को मुह, मृत्यु और मौत। ये क्या है, हमारे तत्सम और तद्भव के
उदाहरण, तो इन्हें आप सुंदर हैंडराइटिंग में, सुंदर लेख में, अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं। जो क्षेत्रीय भाषा होती है उनके कुछ शब्द भी हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, तो इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो ये भी आपको एक अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेने हैं। देश शब्द गाड़ी, गड़बड़, खाट, खिड़की, चस्का, डिब्बा, ठेठ, जूता, भिंडी, पगड़ी, पैसा, रोड़ा, फुनगी, खिचड़ी, पेट, झुग्गी, खटखट, भौं भौं, चिड़िया, पेटी, लड़का, लोहा, चहचहाना, झाड़ू, रोटी। अब आगे देखते हैं विदेशी शब्द या आगत शब्द। विदेशी शब्द और आगत शब्द एक ही हैं, जो दूसरी भाषाओं के शब्दों को हमने अपनी भाषाओं में प्रयोग कर लिया है। हिंदी का समय समय पर विदेशी भाषाओं से संपर्क रहा, जिसके कारण अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं के कई शब्द आ गए हैं। इन शब्दों को के उदाहरण देखते हैं। अरबी भाषा के जो शब्द हैं, अक्सर, अक्ल, अदालत, अमीर, इज्जत, इनाम, इमारत, इस्तीफा, कसरत, किस्मत, कीमत, ताकत, तारीख, मुहावरा, वकील, शतरंज, सुबह, हवालात, हुक्म, हौसला आदि। इसी तरह कुछ फारसी शब्द देख लेते हैं। अचार, अफसोस, आबरू, आमदनी, आसमान, कबूतर, कमर, खराब, खामोश, जादू, जानवर, जोश, जमीन, नमक, प्याज, मजदूर, मेज, सौदा आदि। अंग्रेजी शब्द जिनका अक्सर हम अपने वाक्यों में प्रयोग करते हैं, अफसर, ऑफिस, इंजन, इंजीनियर, कंप्यूटर, कमीशन, कार, क्रिकेट, क्रीम, टीवी, टेलीफोन, डॉक्टर, नंबर, नोटिस, पाउडर, प्लेटफॉर्म, बजट, बैंक, रेडियो, रेल आदि। अब है पुर्तगाली शब्द। ये शब्द कौन कौन से हैं? अलमारी, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, बरामदा, साबुन आदि। अब तुर्की शब्दों में आ जाते हैं। तुर्की शब्द हैं उर्दू, कालीन, कुर्ता, कुली, कैंची, चिक, तोप, बहादुर, बेगम आदि। ये प्रायः कई शब्द इनमें ऐसे हैं जो हम अपनी रोजमर्रा के वाक्यों में प्रयोग करते हैं। और यदि आपको ध्यान हो तो आपने हिंदी जितने भी पाठ पढ़े हैं तो उसमें अक्सर इन शब्दों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। आप अपने आप से इनके छोटे छोटे वाक्य बनाकर बनाएं और बोलने की कोशिश करें। अब है प्रयोग के आधार पर। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को सार्थक और निरर्थक दो वर्गों में बांटा जाता है। सार्थक शब्द
अर्थवान होते हैं, यानी सार्थक शब्द वो होते हैं जिनकी कुछ मीनिंग होती है, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। अब यहाँ पर कुछ सार्थक शब्द दिए हैं और कुछ निरर्थक, उनके उदाहरण देख लेते हैं। सार्थक शब्द हैं कमरा, पुस्तक, विश्वास, गाड़ी, गीता, कलम, महिला, पुरुष आदि। इसी तरह निरर्थक शब्दों के उदाहरण देखते हैं। चूचू यहाँ पर दिया तो है लेकिन ये चिड़िया की बोली है, परंतु इसका कोई शब्द नहीं, अर्थ नहीं होता। और वाणी, वाणी का कोई, पानी वाणी हम लोग बोल देते हैं। वोरी वार्ता, चक आदि। कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्द जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते हैं। कई बार हम सार्थक और निरर्थक शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, कुछ नाश्ता वास्ता हो जाए। नाश्ता तो हम ब्रेकफास्ट को कहते हैं, लेकिन वास्ता क्या है, ये एक निरर्थक शब्द है। इसी तरह कोई मुझे चाय वाय पिला दे, चाय तो टी, चाय पीने के लिए बोला है, लेकिन वाय क्या है, इसका ये एक निरर्थक शब्द है। रचना या बनावट के आधार पर शब्द की रचना किस प्रकार होती है, या रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं। ये भेद कौन कौन से हैं? रूढ़ पहला है, दूसरा यौगिक और एक है यौग रूढ़। अब पहले भेद में हम आते हैं, रूढ़ क्या है और उसके उदाहरण क्या है। रूढ़ ऐसे शब्द जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, वो शब्द जो जिनका अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, यदि उन्हें हमें उनको क्या विखंडित कर दिया जाए, हम लंबे टाइम से उन शब्दों का यूज कर रहे हैं, अगर उन्हें हम तोड़ दें तो उन खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हें क्या है, रूढ़ कहते हैं। अगर हम शब्दों को अलग अलग कर दें, अगर उन वर्णों को अलग अलग कर दें शब्द के वर्णों को, तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, जल दूसरा है सूर्य। अगर हम जल शब्द को ज और ल दोनों को तोड़ दें, उनका कोई और अर्थ नहीं है, तो इसीलिए कहा गया है इन शब्दों को अगर हम विखंडन कर दें, वर्णों को अलग अलग कर दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। दूसरा है यौगिक। अब यौगिक शब्द क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये दो या दो से अधिक शब्दांशों से जो शब्द बने हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, यानी दो शब्दों से बने हुए शब्द हैं उनको, जैसे विद्यालय, दूसरा है दुकानदार, विद्या प्लस आलय। विद्या हमारी, जो हम विद्या पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आलय माने होता है घर, तो दोनों का मीनिंग है। दुकानदार, दुकान, दुकान से तो शॉप को ही हम दुकान कहेंगे, और दार उसमें जो बैठता है, दुकान वाला, तो दुकानदार का मतलब हो गया दुकान वाला। योग रूढ़, अब योग रूढ़ शब्द क्या है, हमने दो पढ़े रूढ़ यौगिक, अब आया तीसरा योग रूढ़। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यौगिक शब्द वो हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। वो
ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? योगरूढ़। कैसे? जैसे पंकज का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, किंतु कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो जाती हैं, पर वो सब तो पंकज नहीं है। अब पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। पंकज का मीनिंग क्या है यहां पर? कमल। तो कीचड़ में खिलने वाला कमल के लिए कहा गया है, लेकिन कीचड़ में तो कई चीजें खिलती हैं। तो पहले ही कहा है कि ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योगरूढ़ कहलाते हैं। इसने पहला दिया पंकज शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो वो होगा कीचड़ में उत्पन्न, अर्थात यहाँ पर पंकज पंकज शब्द का अर्थ कमल से है, तो जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। लेकिन कीचड़ में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, वो सब क्या है? योगरूढ़ तो नहीं है, वो विशेष अर्थ यानी कमल। तो इसी तरह इन्होंने योगरूढ़ के कुछ उदाहरण यहां पर दिए हैं। कौन कौन से हैं? दशानन। दशानन दस हैं, आनन जिसके यानी दस मुंह वाला कौन? रावण। पीतांबर पीला है, अंबर जिसका पीला उस जिसके वस्त्र पीले हैं वो कौन है? कृष्ण। मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है वो कौन है? राम। तो विघ्नेश्वर, विघ्न को दूर करने वाले हर देने वाले कौन है? गणेश। पवन पुत्र, पवन के पुत्र कौन है? हनुमान। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका यानी शिव। ये शब्द क्या है? योगरूढ़। अब व्याकरण क्या है? प्रकार के आधार पर, व्याकरण के आधार पर इन शब्दों के भेद क्या है? अब क्या है? शब्द है, शब्दों के भेद हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द में क्या क्या आते हैं हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़े हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी शब्द कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या योजक और विस्मय आदि बोधक और निपात। ये क्या है? अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। शब्दों के वर्गीकरण में हम पढ़े थे वर्गीकरण के क्या क्या भेद हैं, कौन कौन से। उसमें हमने देखा था स्रोत के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर। अब आए हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं। इसके भेद क्या क्या हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम या विपरीतार्थी। तो विलोम कौन से हैं? उल्टा, जिन्हें हम विपरीतार्थी यानी उल्टे शब्द, शब्द और उनका उल्टा क्या होगा जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। एकार्थी सबसे पहला भेद है। एकार्थी ये क्या है? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? एकार्थी शब्द। तो सामान्यतया परिभाषिक या तकनीकी शब्द एकार्थी होते हैं। ये शब्द जैसे इसका उदाहरण हम देखते हैं कौन कौन से हैं? मंत्री, विद्यालय, मकान, साहित्य, राष्ट्रपति, विद्यार्थी, दुकान, फिल्म, अध्यापक, राज्यपाल, गणित, गीत, चित्र, राजदूत, इतिहास, संगीत, रेडियो आदि। इसी तरह कुछ अन्य शब्द भी हैं।
अब हम आते हैं इसके दूसरे भेद में, अनेकार्थी शब्द। पहले हमने पढ़े एकार्थी शब्द, अब अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। प्रत्येक भाषा के कई शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। हिंदी में भी ऐसे अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्दों वाले शब्द हैं। कौन कौन से हैं? जैसे पूर्व, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है पूर्व। पूर्व का अर्थ क्या है? पहले। और पूर्व का एक अर्थ तो है पहले, और दूसरा अर्थ इसका है दिशा, पूर्व दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसी तरह कुछ शब्द और दिए जा रहे हैं, जैसे अंक। अंक माने क्या होता है? एक तो संख्या, 1 2 3, 1 2 3 4, ये सब क्या है? अंक। दूसरा अंक होता है गोद, गोद। और तीसरा अर्थ है नंबर। वैसे तो संख्या और नंबर एक ही चीज है। फिर है अंबर। अंबर का एक अर्थ है आसमान, लेकिन अंबर शब्द का दूसरा अर्थ है वस्त्र। अंचल, अचल। अचल यानी स्थिर, जिसे हिलाया नहीं जा सकता। अचल माने स्थिर। दूसरा पर्वत, पर्वत को भी अचल होता है, उसे भी हिलाया नहीं जा सकता। फिर है अधर। अधर है, अधर को क्या? एक तो होंठ को कहते हैं अधर, और दूसरा अंतरिक्ष को अधर कहते हैं। फिर निशान। एक तो निशान माने क्या हुआ? चिन्ह। दूसरा झंडा। पय, दूध को कहते हैं और पानी को कहते हैं। पानी, जल, जलवायु और कांति, ये पानी के अर्थ है, पानी का। लेकिन अपने अपने, अब ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे कांति पीने को दे दो। तो पानी का अर्थ क्या है? जल तो अलग है, ये सेंटेंस के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है, इन सब शब्दों को। पूर्व, पूर्व एक दिशा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, और पहले। ये कुछ उदाहरण यहाँ पर अनेकार्थी शब्दों के दिए जा रहे हैं, जो तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो इन्हें भी आप अनेकार्थी शब्द दो कॉलम बनाएंगे और कॉपी में लिख लेंगे। आप लोगों को क्या क्या कॉपी में लिखना है ये मैं बताते चली जा रही हूँ, आप ध्यान से सुने। अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। वैसे ये पूर्ण पर्यायवाची शब्द नहीं होते, इन उनमें अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म छोटा छोटा अंतर होता है, जैसे पानी साधारण और जल पवित्र। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची के उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिन्हें आप परिभाषा सहित अपनी परिभाषा भी लिखेंगे और उदाहरण, जितने भी उदाहरण दिए गए हैं 7-8, वो पूरे अपनी कॉपी में लिखेंगे। अंधकार, अंधेरा, तम, तिमिर। अंधकार शब्द के पर्यायवाची हैं अंधेरा, तम, तिमिर। अग्नि का पर्यायवाची है आग, पावक, ज्वाला। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, पीयूष, सोम। असुर का पर्यायवाची है राक्षस, दानव, दैत्य। फिर धन का, धन का पर्यायवाची है संपत्ति, द्रव्य, वित्त। नदी का सरिता, तटिनी, निर्जरी। पुत्र का बेटा, सुत, तनय। पुत्री का बेटी, सुता और दुहिता। अब आए विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे न्याय, न्याय का अन्याय, अनुकूल का प्रतिकूल। अब कुछ उदाहरण नीचे भी दिए जा रहे हैं, ये आपको कॉपी में भी लिखने हैं। जितने भी आप उदाहरण कॉपी में लिख रहे हैं उनकी परिभाषाएं भी उसमें सुंदर हैंडराइटिंग में आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अंधकार,
का प्रकाश, अमृत का विष, आकाश पाताल, आचार अनाचार, खरीदना बेचना, गहरा उथला, गुण अवगुण या दोष, चतुर का मूर्ख। ये थे विलोम शब्द। जो जितनी भी परिभाषाएं और उनके उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर लेख के साथ लिख लेना है।